श्रीनगर श्रीनगर श्रीनगर। हमारे जम्मू में इतने टूरिस्ट कब आएंगे? अब आएंगे, क्योंकि मोदी जी यहाँ के ऐतिहासिक स्थानों को इंटरनेशनल पहचान दिलाएंगे। मेट्रो और इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनेगा, जम्मू बनेगा स्पेशल टूरिस्ट हब। सच में? हाँ, क्योंकि जहाँ भाजपा वहाँ विकास, शांति स्थिरता और विकास, जम्मू कश्मीर को मोदी पर विश्वास। की बात की जाए तो राजौरी में दो आतंकी इस दौरान ढेर किए गए थे। बात 11 सितंबर की करें तो उधमपुर में दो आतंकियों को सेना ने मार गिराया। 13 सितंबर को कठुआ में दो आतंकी फिर ढेर हुए। 13 सितंबर की बात की जाए किश्तवाड़ में दो जवान इस दौरान शहीद हुए। 14 सितंबर बारामूला में तीन आतंकी यहां पर ढेर किए गए। तो सेना ने डबल मोर्चों पर कार्रवाई तेज कर दी है। एक तरफ भयमुक्त माहौल में जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव संपन्न हो और दूसरी तरफ इन चुनावों पर जो आतंकी साया है वहां पर भी लगातार जो सेना है वो लोहा ले रही है। लिहाजा दोहरी चुनौती जिसका जो सैन्य बल है, सुरक्षा बल है, वो सामना कर रहे हैं। इसी बीच आगे बढ़ रहे हैं अगली बड़ी खबर, हरियाणा जम्मू कश्मीर चुनाव प्रचार से जुड़ी हुई। चुनाव प्रचार तेज चल रहा है, सभी दल पूरी ताकत के साथ प्रचार में जुटे हैं। नेता चुनावी रैलियां कर रहे हैं, एक दूसरे पर हमलावर हैं। और आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव दूसरे चरण का मतदान 25 सितंबर को है। आज प्रचार का अंतिम दिन है। राहुल गांधी का आज जम्मू कश्मीर दौरा है, जहां पर वो पुंछ और श्रीनगर में जनसभा करेंगे। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के भी दिग्गज नेता ताबड़तोड़ प्रचार करते हुए नजर आएंगे। दूसरी तरफ बात की जाए हरियाणा की, तो हरियाणा में एक ही चरण में 90 सीटों पर जो मतदान है वो आप बता दें कि 5 अक्टूबर को होगा और वहां पर भी जमकर चुनाव प्रचार चल रहा है। तो तमाम दिग्गज नेता बीजेपी के चुनाव प्रचार करते नजर आएंगे। इधर यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने हरियाणा में मोर्चा संभाला हुआ है, जमकर वो हरियाणा में गरजे हैं विपक्ष पर। योगी ने कई विपक्षी दलों पर सवाल उठाए हैं, जबकि जम्मू कश्मीर से लेकर हरियाणा तक लगातार केंद्र सरकार और राज्य सरकार के नेतृत्व में किस तरह से विकास कार्य को जमीन पर उतारा जा रहा है उसको लेकर भी जमकर प्रचार किया जा रहा है बीजेपी नेताओं द्वारा। संदीप गोयल सुतमार साथ जुड़ रहे हैं हरियाणा विधानसभा चुनाव पर विस्तार से चर्चा करने के लिए। संदीप, जानकारी साझा कीजिए, जैसे जैसे दिन नजदीक आते जा रहे हैं उसी के हिसाब से समीकरण बदलते जा रहे हैं। लगातार बीजेपी कांग्रेस में मेन फाइट बताई जा रही है, लेकिन बाकी राजनीतिक दल भी अपना अपना जो केंद्र है वो स्थापित कर रहे हैं चुनाव का। देखिए बिल्कुल, चुनाव अब धीरे धीरे गर्म होता नजर आ रहा है, राजनीति तेज होती जा रही है। ऐसे में जो है उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हो चाहे यूपी के मुख्यमंत्री हो, उनके हरियाणा में दौरे लगाए गए हैं और योगी आदित्यनाथ के कार्यक्रम जो है वो रहने वाले हैं। ऐसे में राजनीति है वो पूरी तरह से गर्मा गई है, क्योंकि हरियाणा के ऐसे बहुत सारे जिले हैं जहाँ पर प्रवासी जो है वो रहते हैं और उनको साधने का काम जो है या तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री द्वारा कराने का काम किया जाएगा या फिर योगी आदित्यनाथ के साथ साथ बिहार से एक बड़े चेहरों को जो है यहाँ पर पहुंचाने का काम किया जाएगा। तो यानी कि कैसे वोट साधा जा सके, कैसे अपने पक्ष में बीजेपी उन वोट बैंक को ला सके, इसके लिए जो है बीजेपी पूरी तरह से रणनीति बना रही है और मैदान में। हालांकि अब चुनाव 5 अक्टूबर को होने हैं, लेकिन उससे पहले जो समीकरण है वो रोजाना बदलते हुए नजर आ रहे हैं। अगर मैं हरियाणा की बात करूं तो कुणाल, बहुत बड़ी खबर जब निकलकर सामने आई कि कुमारी शैलजा ने जो है अभी चुनाव प्रचार में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभा रही हैं, और ऐसे में पिछले दिनों मनोहरलाल खट्टर की ओर से कहा गया कि आप अगर बीजेपी में आना चाहते हैं तो आपका स्वागत है। ऐसे में बहुत ज्यादा कयास ये लगाए जा रहे हैं कि अगर जो है कुमारी शैलजा बीजेपी में 26 तारीख को अगर चली जाती हैं तो फिर कहीं ना कहीं कांग्रेस को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। हालांकि अभी कुछ भी क्लियर कहा नहीं जा सकता, कुमारी शैलजा की ओर से कोई बयान सामने नहीं आया, लेकिन ये कयास लगाए जा रहे हैं कि कुमारी शैलजा अगर कुमारी शैलजा और रणदीप सिंह सुरजेवाला का चुनाव प्रचार से पूरी तरह से दूरी बना लेना भी अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से सीट बंटवारे हुए, सीट बंटवारे से जो है कहीं ना कहीं जो है कुमारी शैलजा नाराज चल रही थी और उन्होंने अपना जो प्रचार था वो जो है रोक दिया था और अपने घर पर ही समर्थकों से मुलाकातें कर रही थी। लेकिन ऐसे में कुछ ऐसे जो कुमारी शैलजा के जिनको टिकट मिली उनके पक्ष में भी जो है उनका प्रचार प्रसार होता हुआ नजर नहीं आ रहा। तो अब ये बात जो सामने आने लगी है, जो राजनीतिक विशेषज्ञ है वो कहते हुए नजर आ रहे हैं कि अगर कुमारी शैलजा अगर बीजेपी में शामिल हो जाती है तो फिर बहुत बड़ा उलटफेर हरियाणा की राजनीति में होगा और कांग्रेस से जो है कांग्रेस को कम से कम 5 से 7
सीटों का नुकसान जो है भुगतना पड़ेगा। यानी कि जो कांग्रेस की सरकार बनती हुई बात कांग्रेस कह रही थी उसमें सीधे तौर पर 5 से 7 सीटें कमजोर हो पड़ती हुई नजर आएंगी। ऐसे में कांग्रेस की सरकार बनाना बहुत कठिन हो जाएगा। हालांकि अभी ये बहुत चुनौतीपूर्ण है कि सरकार किसकी बन रही है ये कहना अभी स्पष्ट नहीं हो पा रहा, लेकिन उलट फेर रोजाना हरियाणा की राजनीति में नजर आ रहे हैं। चलिए शुक्रिया आपका संदीप हमारे साथ जुड़ने के लिए, ताजा अपडेट साझा करने के लिए। इसी बीच बड़ी खबर, जहां पर सीईओज के साथ राउंड टेबल हुई है पीएम मोदी की। पीएम मोदी ने इस दौरान कई टेक कंपनीज के जो सर्वोच्च पदाधिकारी हैं उनसे बातचीत की और महत्वपूर्ण उन्होंने पक्ष रखा हिंदुस्तान का। उन्होंने कहा कि यह सदी भारत की सदी है, रिफॉर्म परफॉर्म ट्रांसफॉर्म के साथ भारत आगे बढ़ रहा है। पीएम मोदी ने कहा कि किस तरह से हर क्षेत्र में भारत तरक्की कर रहा है, लगातार हमारी जो नजर है दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी पर बनी हुई है। इसी के साथ भारत में टैलेंट्स की भरमार है और टैलेंट की भरमार के बीच उन्होंने सभी से आग्रह किया है आइए भारत में अपनी अपनी संभावनाओं को तलाश। और यहां पर वक्त एक और छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद ये खबरों का सिलसिला आगे जारी है। क्या बात है भाई, बड़ा खुश लग रहा है भाई। मोदी जी जम्मू को आईटी हब बनाएंगे, छात्रों को लैपटॉप टैबलेट के साथ 3,000 रूपए का ट्रैवल अलाउंस भी देंगे, और इसी के साथ जेकेपीएससी यूपीएससी की तैयारी करने वालों को 10,000 रूपए का कोचिंग खर्चा भी मिलेगा। सच में? हाँ, क्योंकि जहाँ भाजपा वहाँ विकास, शांति स्थिरता और विकास, जम्मू कश्मीर को मोदी पर विश्वास।